एग्जाम का तो तैयारी आपने कर लिया, जो भी तक का तैयारी करना था लगभग आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई होगी। अब जो है एग्जाम आपका किस तरीके से जाना चाहिए, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपका आपका कैसा है, किस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको चेक करना अपने आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए हमने डेमो एग्जाम, ठीक है, डेमो एग्जाम जो कि टोटली आपके जो एग्जाम है होने वाले हैं 26 को, उसी पे बेस्ड है, ठीक है। उसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये डेमो एग्जाम यानी कि मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट डिजाइन किया गया है और टोटल 5 मॉक टेस्ट है। तो आप ध्यान में रखिए कि टोटल आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, 5 6 दिन ही है, तो हर दिन कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाइए और हो सके तो 2 मॉक टेस्ट भी लगाइए, ठीक है, ताकि आप अपना जो है क्वेश्चन किस तरह से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस तरह से आपका क्या कॉन्सेप्ट में कमी है, किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप उसको एनालाइज अपना कर सकें, ठीक है। ये मॉक टेस्ट जो है टोटल 5 मॉक टेस्ट आपको दिया जा रहा है, 5 मॉक टेस्ट जिसका प्राइस था पहले 700 रुपीज़, ठीक है, और उसके बाद उसको अभी जो है करेंट प्राइस 499 इसका, ठीक है, 499 है। लेकिन आपका चूंकि एडमिट कार्ड जो है रिलीज कर दिया गया है, आपके पास टाइम नहीं है और आपको जो है डेमो एग्जाम देना है, बहुत सारे रिक्वेस्ट भी थे कि इसका प्राइस थोड़ा सा कम किया जाए, तो इस प्राइस को हमने कम करके और अभी जो है लोएस्ट लोएस्ट पॉसिबल प्राइस जो है उस पर हमने लाकर इसको रख दिया, और ये जो है चार्ज सिर्फ 299 रुपीज़ है, ठीक है, 299 यानी कि मात्र 300 रुपये में आप 5 मॉक टेस्ट एक्सेस कर सकते हैं। और इस 5 मॉक टेस्ट को एक तरह से ये 5 मॉक टेस्ट जो है 5 एग्जाम है आपका, ठीक है, इस एग्जाम में आप पास होना है फेल होना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है, ठीक है, कौन से पोर्शन में आप वीक हैं अभी भी, जिसको ध्यान में देने की जरूरत है जिस पे, तो वो सब आप यहाँ से अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए साबित हो सकता है, तो इसीलिए मैं आपके लिए इसको लेकर के आया हूँ और इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल का ही क्वेश्चन है। हर पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से, और इसी तरह के क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हर पेपर में, कभी कोई भी पेपर जो है जिसमें ऐसा नहीं मिला है जिसमें 4 5 क्वेश्चन से कम हो। चलिए आगे इशू कीजिए। जेड माइनस 5i/z +5i=1 1 है। यहाँ पे जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई है, तो ये कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है? क्या करना है, जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स प्लस आई वाई माइनस 5i/x +iy+5i। इसका मॉड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो निकाल लीजिए मॉड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस 5 हो जाएगा ना, वाई माइनस 5 × i, वाई माइनस 5 × i/x+y+5i, ठीक है, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट x² + y-5 का होल स्क्वायर, और नीचे हो क्या, अंडर रूट x² + y+5 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। तो यहां से जो है हमारा आ सर, जाएगा, ए ऑप्शन आएगा ए, देखते हैं, ठीक तो दोनों तरफ स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x² + y-5 का होल स्क्वायर / x² + y+5 का होल स्क्वायर = 1, यही होगा। और यहाँ से जो है हमारे पास जो है x² + y-5 का होल स्क्वायर = x² + y-5 का होल स्क्वायर, यहाँ से x x कैंसिल हो गया, और यहाँ से आया y² + 25 - 10y = y² एक ये प्लस होगा ना, हाँ, y² + 25 + 10y, ये कैंसिल। अब बोल रहा है देखिए, इधर 10 + 10y 20y, 20y = 0, तो यहाँ से y = 0 हो जाएगा, ठीक है। और y = 0 किसका इक्वेशन होता है, एक्स एक्सिस का, ठीक है, एक्स एक्सिस मीन्स रियल एक्सिस, तो हमारा जो है ऑप्शन ये हमारा रियल एक्सिस सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।